संचिता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उड़द के दाल की सब्जी बनाना बताऊंगी, जिसके लिए साफ की हुई उड़द की 1 कप दाल भिगानी है। इसको रात भर भिगा दें, भिगाने के बाद सुबह इसको पीस कर सब्जी बनेगी। दोस्तों ये देखिए, जो हमने कल दाल भिगाई थी खूब अच्छी भीग गई है रात भर आराम से, ये देखिए। अब इसको मिक्सर में डालकर पीसना है। और इस सब्जी के लिए पूरे 2 गोल प्याज लगेंगे मीडियम साइज के, पूरा 1 लहसुन जिसको हमने छील कर रख लिया है। पहले पहले मसाला पीसेंगे फिर दाल पीसेंगे। मेरा लहसुन और प्याज का पेस्ट पीस के तैयार हो गया और ये दाल का पेस्ट पीस कर तैयार हो गया। इसको बहुत पतला नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा और इतना गाढ़ा पीसना है, ठीक थोड़ा पेस्ट रहेगा इसका, जैसे दही बड़े का रहता है। और दाल आप चाहें तो धुला भी यूज़ कर सकते हैं, धुली धोई, और नहीं आपके पास तो छिलके वाली उड़द की दाल भी भिगा कर रात में उसको सुबह धो के छिलका उतार के तब दाल पीस लें। किसी भी दाल का आप बना सकते हैं ये वाली सब्जी, इसको डुबकी कहते हैं या तो उड़द के दाल की सब्जी पकौड़ी वाली। अब मसाले में 2 चम्मच नमक, आधा चम्मच पिसी मिर्ची, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच पिसा मसाला, पूरा मिक्स सब्जी मसाला, 1 चम्मच पिसा सब्जी मसाला गोल्डी का डाला है। आपको जो भी मसाला यूज़ करते हैं वही डाल लीजिए। सब्जी में जो मसाले में जो मिलाए थे मसाले लहसुन प्याज में, उसको सब अच्छे से ऐसे ऐसे मिक्स कर लीजिए गोल गोल घुमा के। अब इसी में से 1 चम्मच मसाला इसमें दाल में पिसी दाल में डाल दें 2 चम्मच। उसके बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें थोड़ा हल्दी और थोड़ा सा नमक अलग से पड़ेगा, ताकि सब्जी में अंदर पकौड़ी जो बने उसमें मसाला नमक टेस्ट के अनुसार रहे। नमक डाला है, हल्दी डाल दिए हैं, नमक और हल्दी अलग से थोड़ा सा और। अब इसको मिक्स कर लें, इसको मिक्स करके रख लें। इधर हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, कढ़ाई में तेल सरसों का डाल दिए हैं। अब गैस ऑन कर लें, गैस ऑन करके तेल गर्म होने दें। और इसको लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो ज़्यादा बेटर बनेगा, इसका स्वाद और अच्छा आता है। अगर लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप किसी भी कढ़ाई में इसको अच्छे से बना सकते हैं। अब तेल गर्म होने दें, तेल गर्म हो गया है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा डाल लें और इसमें डाल के ऐसे देख लें, धीरे से डाल कर देख लें गर्म हो गया है तेल। इसका मतलब ये पकौड़ी तुरंत ऊपर आ गई, तेल गर्म हो गया, आराम से पूरी पकौड़ी धीरे धीरे बनाएं। आँच स्लो कर लें पहले, अब धीरे धीरे पकौड़ी डालें। पकौड़ी डालते समय आँच मीडियम स्लो रहेगा। इसी तरह पूरे दाल की पकौड़ी बना बना के तल के निकाल लेना। गोल्डन ब्राउन कलर की पकौड़ी तलनी है, जितना तेल है उसी हिसाब से पकौड़ी डालें पहले। पकौड़ी को धीरे धीरे चलाकर देखें, ये हो गया। अब आँच थोड़ा तेज कर दें, इस समय आँच तेज कर सकते हैं। जो पकौड़ी हो गई है उसको एक तरफ से उसको पलट दें, दूसरी तरफ से भी पक जाए। इतनी सॉफ्ट और मुलायम पकौड़ी बनी, ज़्यादा पतला डो नहीं करना है इसका, जैसे कढ़ी में रहता है उतना पतला नहीं, उससे थोड़ा मोटा रहेगा, जैसे कि आराम से पकौड़ी बन जाए गोल गोल। इसको पलट दिए हैं, अब इसको और पकने दीजिए अंदर तक,
गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी तब उतारना है। पकौड़ी एकदम पक गई है, गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसको निकाल लें। निकाल लिए हैं, तब फिर आंच धीमा कर दें, हाथ में पानी लगाएं। इस दाल को हाथ में पानी लगा के पकौड़ी बनाना चाहिए। हाथ में पानी लगाए रहेंगे तब पकौड़ी जल्दी जल्दी चुएगी कढ़ाई में। दूसरे राउंड की फिर पकौड़ी तल गई है, लगभग लाल हो गई है। इसको भी अब आंच धीमा कर लें और निकाल लें। इसी तरह पूरी पकौड़ी तल लेनी है। ये थोड़ी सी दाल बची है, इसको पूरा बड़ा सा करके पूरा ऐसे डाल दो आराम से। जैसे कढ़ी में रहता है कि इसका कच्चे ही बेसन का घोल लगा लेते हैं, लेकिन ये उड़द की दाल है, ये थोड़ी लिसलिसी होती है, इसलिए इसको तलना पड़ता है पकौड़ी को। थोड़ा दाल तल जाएगा ऐसे, इस तरह करते रहें, इसको थोड़ा सा तल लें पक जाए ताकि दाल। इसको एक ही तरफ से ऐसे तल के निकालना है कटोरे में फिर से। ये हो गया है, लगभग हाफ फ्राई टाइप का तलना है, और ये हो गया है। इसको कटोरे में निकाल लें, निकालने के बाद इसी का रसा लगेगा। अभी मेरा जो तेल बचा है उसी में एक चम्मच मेथी डाल लें, मेथी चटक जाए तब उसके बाद उसी में मसाला डाल लें। कटोरे में जो मसाला लगा उसमें पानी डाल के थोड़ा सा हिला कर उसको भी इसी कढ़ाई में डाल लें। अब मसाले को पूरा भूनना है, लाल करना है। मसाला अच्छे से भून जाए तब उसमें ग्रेवी लगाएंगे। ग्रेवी लगाने के लिए एक गिलास पानी लें। आँच तेज कर दें मसाला होने में। जब तक मसाला हो रहा है तब तक इधर कटोरे में जो हमने पकौड़ी, एक बड़ी पकौड़ी तल के निकाली थी उसी में पानी डाल दें। पानी डालने के बाद उसको मैश कर दें। इससे ये होता है कि ये थोड़ा रसा जो इसका होता है लिबलिबा नहीं बनता है, नहीं तो इसमें दाल का एक आदत होती है, दाल की लिसलिस आती है उड़द की दाल, इससे वो नहीं होगा। मैश हो गया है, इसको रखे रहें, जब मसाला भुन जाएगा तो उसमें निकाल देंगे, डाल देंगे। इधर मेरा मसाला भुन रहा है। इस सब्जी को चावल के साथ खाएं तो भी अच्छा लगता है, रोटी के साथ खाएं तो भी, और एक चावल की पूड़ी बनती है भाप वाली, चावल के आटे की पूड़ी भाप वाली, उसके साथ खाएं तो सबसे टेस्टी लगता है। मसाला भुन गया है, तेल छोड़ दिया है, अब इसमें जो पकौड़ी और पानी मिला के हमने रखा था पूरा रसा डाल देना है। रसा कम लग रहा है, बनने के बाद इतना आना है, इसलिए इसमें थोड़ा रसा और लगाएंगे पानी लगा के। पूरा पानी डाल दें, आपको जितना रसा खाना है, जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उसी हिसाब से पानी रखेंगे रसा। अब ये थोड़ा बॉयल होने लगेगा तब इसमें पकौड़ी पड़ेगी, तब तक इसको ढक दें। पानी डाले थे, रसा मेरा खौलने लगा है, ये देखिए तैयार है। अब इसमें खौलते ही समय इसमें पूरी पकौड़ी डाल दें, जितनी हमने पकौड़ी तल के रखी थी सब इसमें डाल देना है। डालकर चलाएं, थोड़ा देर चलाएं, चलाने के बाद एक खटाई, खड़ी खटाई सूखी डाल दें।
अगर खट्टा खाते हो तो, नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसको फिर से एक बार ढक के मीडियम आँच पर पकाएं थोड़ा देर, लगभग ये 5 से 7 मिनट पकेगा, उसके बाद सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। मेरी सब्ज़ी हो गई है, ये गाढ़ी भी सही है और अब पक गई है पूरी। इसको गैस बंद कर दें और क्योंकि ठंडा होने पे और होता है। एक बात और, इसको लोहे की कढ़ाई में बनाएं इसलिए 5 से 7 मिनट रहने के बाद इसको किसी अच्छे बर्तन में स्टील के खाली कर लें। सब्ज़ी बन गई, अब इसको चावल के साथ चाहे रोटी के साथ खा सकते हैं। मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार है, इसको आप चावल के साथ, रोटी के साथ, चाहे चावल के आटे की पूड़ी के साथ भाप वाले खाएं। अगर मेरा सब्ज़ी अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।